हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 1 मार्च है और गोल्ड में एक पैटर्न बना था। गोल्ड में थोड़ा सा इसने ट्रेंड ब्रेक किया था, तो सोचा कि आपको इसके लिए उस पर गोल्ड पे अपडेट दे दूं। तो आप देखेंगे तो गोल्ड ने क्या किया, ये एक ट्रेंड लाइन चार्ट देखेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक खींचा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन चार्ट को देखिए, मैं आपको थोड़ा डीप कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये यहाँ पे इसको यहाँ पे 1317 को नहीं तोड़ना था, तो इसने 1317 को तोड़ते हुए एक गोल्ड फ्यूचर है और CFD में डॉलर में, तो 1312 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है ये गोल्ड आपको 1302 तक के भाव को दिखा दे, तो थोड़ा सा और भी आप इसमें वीकनेस गोल्ड में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको वीकली पैटर्न पे देख रहा था, तो वीकली पैटर्न पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फॉल नहीं किया है, बट हाँ एक ऊपरी लेवल पे बोलिंगर बैंड से नीचे की ओर जा रहा है। बट मैं ही यहाँ पे अगर क्रॉसओवर को देखूँ, तो क्रॉसओवर अभी भी आप देखेंगे, अगर मैं इसके बोलिंग एवरेज हटा दूं, तो ये क्रॉसओवर को देखेंगे तो यहाँ से लेके ऊपर की ओर ही पैटर्न बना है। ये जो मूविंग एवरेज है इसका 50 डेज का, और ये है 200 डेज का, तो अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वीकली बेसिस पे तो कोई इशू नहीं बता रहा है, बट इंटरडे पोजिशन के लिए आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको एक बार इसमें थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिले और 1300 के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करें। 1300 के लेवल पे कोशिश नहीं करता है तो 1275 की ओर जा सकता है। तो अब वाच रखें इस पे थोड़ा सा। गोल्ड ने एक पैटर्न को ब्रेक किया है जो नीचे की ओर गोल्ड दिखता है, तो ऐसे आप देखिए यहाँ से फॉल कर रहा है और इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो गोल्ड में आपको थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है गोल्ड आपको 1300 और 1275 की ओर जाता हुआ दिखे। क्रूड में देखेंगे तो क्रूड में थोड़ा एक अपसाइड आया हुआ है, इंट्राडे पोजीशन है ये, कोई पोजीशन डेली चेंज हो रहा है, तो अभी थोड़ी सी इसमें मजबूती दिख रही है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन जो आपको आप ट्रेंड लाइन है आपका, तो ये आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइन जो अभी चल रही है, अगर इसको मैं ये हटा दूँ, तो आप देखेंगे ये ऊपर की ओर जा रही है। इनफैक्ट वो अभी नीचे की ओर ही है। यहाँ से नीचे की ओर जाते हुए आप देखेंगे तो ऊपर की ओर ही जा रही है, यहाँ से क्रॉस करते हुए, तो अभी एक बार ऊपर उठने की कोशिश में है। तो अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो नीचे में आपको बाइंग करनी चाहिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा सा इसमें क्रूड में वीकनेस दिखा रहा है, तो क्रूड में अभी बाइंग चल रही है। आप ये पैटर्न से देखेंगे तो क्रूड अपसाइड चल रहा है, ये क्रूड के लिए बता रहा था। अब गोल्ड में भी देखेंगे तो गोल्ड में नीचे साइड में जब आए तो आप 1275 के आसपास हो सकता है कि उसमें आप चाहें तो उसमें बाइंग पैटर्न बना सकते हैं। अगर मैं ये सबको हटा दूं एक बार, जो ट्रेंड लाइन से ड्रॉप हो रहा है ये, तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो गोल्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो गोल्ड में देखिए कि ये यहाँ से ऑलरेडी ये क्रॉस करके अपसाइड में ले चुका है, तो ऐसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा 1300, यहाँ पे भी 1304 का दे रहा है, तो 1304 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए उसको, बट 1304 की ओर जाते हुए आपको गोल्ड दिखेगा। बट वीकली पैटर्न में अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये यहाँ से डाउनफॉल होकर के टच नहीं किया है, इसको क्रॉस नहीं किया है। अगर ये अभी तक इसने यहाँ से जो फॉल करके यहाँ पे 1275 के लेवल को से नीचे नहीं है, तो 1275 के स्टॉप लॉस से गोल्ड में आप बने रह सकते हैं नीचे की ओर। लेकिन एक बार ये नीचे दिखेगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है और बोलिंगर बैंड्स में ड्रॉप शो कर रहा है, गोल्ड में वीकनेस मिल रही है, इंट्राडे पर्पस है, आज 1 मार्च है, ये सारे एजुकेशनल पर्पस है। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर रहे हैं। गोल्ड में थोड़ा इंट्राडे पोजीशन से वीकनेस दिख रही है और क्रूड में थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है। तो आज 1 मार्च है, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।